हेलो फ्रेंड्स, आजकल भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट अटैक। दोस्तों, अब तो ऐसा फील होता है जैसे ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि हर घर में आपको इसके मरीज़ मिल जाएंगे और लोगों ने भी इसके साथ समझौता कर लिया है। लेकिन कभी कभी ये समझौता जानलेवा भी हो जाता है। तो आज हम हार्ट अटैक के बारे में डॉक्टर के नज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हार्ट की बीमारी का ख़तरा आज के समय में काफ़ी बढ़ गया है। इसकी वजह है सुस्त लाइफस्टाइल, गलत खान पान, शराब का पीना और तनाव में रहना। हार्ट फेल होने के मामले भारत में काफ़ी बढ़ गए हैं। कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हार्ट संबंधी बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कुछ समय से 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिल रही है और ऐसे लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो जा रही है। इसलिए हार्ट फेल होने के कारणों को जल्द से जल्द समझना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हार्ट फेल के ख़तरों से बचा जा सके। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हार्ट फेल के 25% मरीज़ 45 वर्ष से कम उम्र के हैं। वहीं 67% मरीज़ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 55 साल से कम है और उनमें हार्ट फेल होने के लक्षण देखे गए हैं। क्योंकि भारत में इस बीमारी का विकास और लक्षण के बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक के लक्षण देखे गए हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करनी होगी और कुछ दवाइयों को लेकर इससे वे बच सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट शरीर का सबसे मुख्य अंग है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन जब ये कमज़ोर हो जाता है तो पूरे बॉडी में ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से हार्ट फेल हो जाता है। और इसके कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। युवाओं में तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और डॉक्टर के मुताबिक क्रोनरी धमनी की बीमारी हार्ट फेल होने का मेन कारण है। इसका मतलब ये होता है कि हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड पहुंचने वाली धमनियों में रुकावट। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़, धूम्रपान, जंक फूड और सुस्त लाइफस्टाइल वाले लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ साथ सोशल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ गया है, जो कि इस बीमारी का मेन कॉज है। डॉक्टर के मुताबिक 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को हार्ट अटैक से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि वो अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। चीनी, मिठाई, कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ों को खाना बंद कर दें और साथ साथ नमक का भी सेवन कम से कम करें। 15 ग्राम की जगह 5 ग्राम ही लें और स्मोकिंग करना छोड़ दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।